देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप नहीं सहेला गुमान बाई बतिया के गावे गावे हला गोड्डा के परसपानी स्थित उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित बीजेपी की चुनावी सभा में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल नेरहुआ ने समा बांध दिया। दिनेश लाल नेरहुआ सोमवार को दोपहर के बाद यहां पहुंचे। नेरहुआ को देखने के लिए यहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। लोगों में सेल्फी लेने की होड़ तो मची ही हुई थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी निरहुआ के साथ सेल्फी लेने के प्रयास में थे। निरहुआ ने इस दौरान लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने की अपील की। वहीं मंच पर निरहुआ ने रिक्शा वाला गाना गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फिल्मी करियर छोड़कर राजनीति में इसलिए आया हूं कि गांव गरीब का कल्याण कर सकूं। बीजेपी जो वादा करती है वो उसे पूरा भी करती है। भैया हो, बहनी हो, सबके ये निवेदन बा, सबसे हाथ जोड़ के विनती बा कि आप लोग जब बूथ पर जाइए तो कमल के निशान वाला बटन दबा के और एक बार फिर से बता दिया कि हमनी के विकास के साथे बाणी जा, देश के तरक्की के साथे बाणी जा। और जैसे आप लोग पहले अपन भरपूर मत दिले हवा भारतीय जनता पार्टी के, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पूरा साथ आपके चाहिए। साथ ही निरहुआ ने क्षेत्रीय पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि क्षेत्रीय पार्टी के कारण ही देश का विकास नहीं हो पा रहा है। बहका रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में गुमराह कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को, आपका भाई, आपका बेटा, ये बताने आया हूँ कि किसी भ्रम में मत पड़िएगा, किसी बहकाव में मत आइएगा, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो सिर्फ क्षेत्र नहीं पूरे देश का हानि करने में लगी हुई है। और हम सब का कर्तव्य है कि अपने देश के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़ा होना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ झारखंड को विकास की ओर लेके चल रही है, तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार झारखंड में बनानी है। बहरहाल अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के फिल्मी अंदाज में प्रचार करना लोगों को कितना पसंद आता है। साथ ही रैली में उमड़ी लोगों की भीड़ को वोट में तब्दील करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।